औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के डेरोवाल बैरियर के समीप गांव बेरसन में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मार्च महीने की 16 तारीख को नालागढ़ थाने में दीपक कुमार निवासी चंबा घाट जिला सोलन की गुमशुदगी की शिकायत थाना नालागढ़ में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर नालागढ़ थाना में मामला दर्ज कर युवक की तलाश ली जा रही थी। मृतक दीपक पेशे से कैंटर चालक है, जो कि 13 मार्च से गुम बताया गया था, जिसका आज डेरोवाल के समीप गांव बेरसन में एक तालाब में शव तैरता मिला है, जिसे सुबह गांव के कुछ लोगों ने तालाब में तैरते हुए देखा और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस बद्दी के SP NK शर्मा ने बताया कि नालागढ़ में गुमशुदा व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में छानबीन की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। 16 मार्च को नालागढ़ थाना में दीप कुमार नामक एक व्यक्ति के गुम होने का मामला आया था, जो 13 मार्च से गुम होना बताया गया था। आज ढेरोबाल के समीप गांव भेरसर में उसका शव मिला है। हमने शव को अपने कब्जे में लेकर के शव विच्छेदन हेतु सरकारी अस्पताल नालागढ़ भेजा है। इस मामले में हम गहनता से जांच कर रहे हैं तथा शव विच्छेदन रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये दीपक कुमार चंबा घाट जिला सोलन का रहने वाला था और ये कैंटर का चालक था। नालागढ़ से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।